दोस्तों बेबाक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया और इस बेल आइकन को दबाकर खबरें पाएं सबसे पहले। अपनी काली करतूतों के लिए डेरा सच्चा सौदा का मुखिया गुरमीत राम रहीम अब 20 साल तक जेल में चक्की पीसेगा। रोहतक जेल की सलाखों के पीछे खून के आंसू पी रहा है गुरमीत। अब ये ना राम रहा ना रहीम, अब तो कैदी नंबर 1997 रह गया। लेकिन इस कैदी के बारे में हर दिन अब एक नई जानकारी मिल रही है और इस बार जानकारी मिली है काली गोली की। ऐसी काली गोली जिसके काले जादू से नौजवान अपनी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर बैठते थे। देखिए जरा, ये वही बलात्कारी बाबा है जो अपने डेरे में काली गोली पाटा करता था। इस काली गोली ने न जाने कितने नौजवानों की जिंदगी चहनुम बना दी। दरअसल डेरे में रहने वाले नौजवानों को ये बाबा काली गोली बांटा करता था, वो भी सुबह के वक्त। डेरे में रहने वाले मासूम लोग इसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी किस नरक में जा रही है। विशेष तत्वों से तैयार की जाने वाली ये गोली डेरे में रहने वाले साधुओं को नपुंसकता की ओर धकेल रही थी। खबरों की माने तो इस तथाकथित बाबा का गोरख धंधा ना जाने कितने सालों से फल फूल रहा था। वो अब तक 400 से ज्यादा साधुओं को इसी काली गोली से नपुंसक बना चुका था। 2012 में डेरे में साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला जब हाई कोर्ट तक पहुंचा और वहां पर बकायदा 166 साधुओं की लिस्ट भी तैयार हो गई, तो फिर सबके सामने ये खबर आई। एक पूर्व सेवादार ने कहा कि 17 साल पहले डेरे में आया था और यहाँ पर उसे सुबह के वक्त गोली खिलाई जाती है, ये कहकर कि तुम्हें आने वाले समय में भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे, भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे, बस ये गोली का सेवन कर लीजिए। और बेचारा सेवक चुपचाप बाबा की बात मानकर गोली गटक जाता था। ऐसे में अभी तो बाबा सिर्फ 20 साल के लिए जेल में गया है, लेकिन जैसे ये मामला आएगा उसके बाद ये बाबा ना जाने और कितने साल जेल में चक्की पे चक्की ही पीसेगा। वाकई इस बाबा के काली दुनिया के काले कारनामों के आगे नौजवान अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि जिस बाबा पर वो भरोसा कर रहे थे वही बाबा उनकी जान का दुश्मन बना था। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस खबर को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही हेडलाइंस इंडिया को बेबाक खबरों के लिए बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कीजिए।